जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके बीच फिर से एक और नए टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आ गया। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के अब बोर्ड पेपर आने वाले हैं। कोई भी लापरवाही मत करिएगा। तो हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लिए थे। लिनार्ड ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन हो गया था, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन हो गई थी। आज हम लोग उसी सिलसिले में एक छोटा है लेकिन बहुत ही बढ़िया टॉपिक, डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल लेते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हेडिंग डाल देते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए, इन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि जैसे जब कोई एक ये पार्टिकल मूव करता है, ते तो पार्टिकल की फॉर्म में मूव करेगा या वेव की फॉर्म में मूव करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये वेव के फॉर्म में मूव करता है, तो ये जो वेव है इस पार्टिकल को हर तरीके से कंट्रोल करके रखती है तो पार्टिकल, या तो पार्टिकल तरीके से मूव करे, या जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है। वो वेव, ये जो वेव है, ये वेव इस पार्टिकल को हर एक एंगल से क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। तो डिबोगनी का, डिबोगनी क्या भैया क्या कहा, ये जो वेव है ये वाली, ये कौन सी है, इसका नाम उन्होंने दे दिया मैटर वेव। ठीक है, इन्होंने इसका मैटर वेव नाम दे दिया। और अगर भैया जब ये वेव है तो उसकी कोई वेवलेंथ होगी, तो इसका जो वेवलेंथ होगी उसी का नाम दे दिया भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, इन्होंने इस वेव का नाम दिया मैटर वेव, और इस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसका नाम दे दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। और ये जो उन्होंने तामझाम बताया, इस हाइपोथेसिस को उन्होंने नाम दे दिया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, कि जब कोई एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, वो वेव उस पार्टिकल को हर तरीके से कंट्रोल करके रखती है, और वो वेव मैटर वेव कहलाती है। और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और ये जो संकल्पना है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, अब इन्होंने इसका फार्मूला बताया। इसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। ये जो भैया फार्मूला हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला हुआ, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, पी क्या है, मोमेंटम है, और एच क्या है, लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। वो छोटा सा डेरिवेशन है, देखिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान से वर्ड में बताऊंगा। देखिए, ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर हमको पता है, ठीक है, और एक फार्मूला हमको पता है कि ई इजिकल टू एच न्यू पता है, दोनों को फॉर्मूले पता है। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब देखो ये भी एक ही वैल्यू है, ये भी एक ही वैल्यू है, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो देखो भैया जरा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यहाँ से m की मास, m की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, h nu अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए मोमेंटम, क्योंकि देखो एक नज़र हमको जो प्रूफ करना है उस पे नज़र, उस पे डालनी रहती है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, हम मोमेंटम निकाल लेते हैं। और आपको पता है भैया मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम और वी, राइट।
लेकिन यहां पे हम फोटॉन की बात कर रहे हैं, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट में, यानी कि पी इक्वल टू एम इंटू सी, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे एम की वैल्यू, ये जो एम हम की वैल्यू निकाले थे ये वाली, तो क्या करूंगा यहां पुट कर दूंगा, यहां लिख दीजिए पी इक्वल टू एम की वैल्यू क्या थी, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, एक से सिक्स इसे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा भैया आपके पास, पी इजिकल टू एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ये पहले का लिखा था, इसको हटा दूँ जरा, देखो जरा। अब देखो यहां से पी की वैल्यू आ गई, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला भैया, वी इजिकल टू एफ इंटू लेमडा, फॉर्मूला पढ़े होंगे। अब देखो इसको जरा वी को चेंज कर दो सी में, एफ इंटू लेमडा, ठीक है, यहां पे जो न्यू है वो यहां एफ है, तो इसको ऐसे ले सकते हो न्यू इंटू लेमडा, ठीक है, सिंपल चेंज है, बाकी मतलब वही है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब देखो जरा, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी लिख सकते हैं, यहां की ये जो वैल्यू है वो हम यहां पे पुट कर देंगे, देखो जरा न्यू बाय सी, न्यू बाय सी, यहां पे क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, इसको सही से लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये आपका देखिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया, डी बोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, लेकिन है क्या भाई, अगर बेसिक फॉर्मूले आपके माइंड में नहीं है तो फिर गड़बड़ रहता है, बेसिक फॉर्मूले, देखिए फिजिक्स आपके फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, जितने अच्छे तरीके से फॉर्मूले उतने अच्छे तरीके से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, ठीक है। इसको हटा दें जरा, ये चीज फर्जी में लिखा हुआ है, अब हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, सबसे ध्यान, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे लगाना है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, इसको हटा दूं जरा, ठीक है, देखो जरा कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, सब डी बोगली, देखिए जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा सब डी बोगली वेवलेंथ के ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, देखो लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी, अब तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होगा भैया, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ पे जो वी है भैया वो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो वी है वो आपका पोटेंशियल है, इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहोगे सर दो फॉर्मूले कैसे, यहाँ पर चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करिए चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अगर हमको लगता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करने से मेरा न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, अगर आपको लगता है नहीं ये वाला यूज करना चाहिए जल्दी सॉल्व होगा तो ये वाला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों से सेम आता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग इंपॉर्टेंट चौथा, रिलेशन रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टी, टी मतलब
टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है भैया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3 m k t। ये फॉर्मूला आपका आ गया। यहाँ पे किया क्या आपका, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर है, मास एम है मास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गैस वाले चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पर है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इसको हटा दूं जरा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला जो भैया अपना है, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हमारा चौथा फॉर्मूला था। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला आपका लैम्डा अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल की डिब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, 0.0101 अपॉन अंडर रूट वी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक आपका लैम्डा प्रोटॉन, ये हो जाएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट वी। ये दो फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ 0.101 अपॉन अंडर रूट वी, वी क्या है पे पोटेंशियल है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके कंपटीशन के, ये जो फॉर्मूले आपके मैंने बताए, ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप जगह लिख करके उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये आपके 2 से 3 नंबर में पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो हमको इतना सारे फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी तक लिखना होता है। अब उसके बाद में छोटा सा टॉपिक और रहता है, एक एक्सपेरिमेंट है डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसने हम नाम आपने सुना होगा, कि उसमें यह बताया गया है कि प्रूफ करके दिखाया गया कि वेव नेचर, पार्टिकल का वेव नेचर। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। आपके सामने मैं फिगर ला रहा हूं, तो आपके सामने फिगर ये रहा, आपके सामने फिगर। ठीक है, ये आ गया फिगर आपके सामने, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। ये आपके सामने फिगर हो गया। ठीक है, अब चलो भाई इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा है डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये हेडिंग पड़ी हुई है। यहां पर ये जो सर्किट आपका बना है, ये है एक्सपेरिमेंट, यहां पर ये है आपका फिलामेंट, ये जो आपका देख रहे हो ये है फिलामेंट एफ, ये टंगस्टन का बना होता है, और ये जो फिलामेंट है ये आपका एक लो टेंशन बैटरी से जुड़ा होता है। ये इसका काम बस ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, निकालता है। इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है टंगस्टन के ऊपर, जैसे ये टंगस्टन है, इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम हल्की सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट करेगा ये। ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर एक ये बॉक्स जैसा बना हुआ है, ये हाई टेंशन बैटरी से, देखिए ये सीधे आपका गया है हाई टेंशन बैटरी से जुड़ा हुआ है, और ये जो है आपका हाई टेंशन बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका काम क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इसको रखा जाता है निगेटिव पे, इसको रखा जाता है निगेटिव पे। अब आप कहोगे सर यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उस पर भी निगेटिव चार्ज होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले उस पर भी निगेटिव चार्ज, और ये जो एक सिलिंड्रिकल नुमा एक बॉक्स रखा हुआ ये वाला, इस पर भी निगेटिव चार्ज, तो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है। तो
तो जब रिपेल कर देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में क्या होता है, इकट्ठा होते रहते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एफ से निकल रहे हैं और बीच में इकट्ठा हो रहे हैं, खूब इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या होगा, आपस में कोलिजन बढ़ जाता है। जब आपस में कोलिजन बढ़ जाएगा तो बहुत ही हाई एनर्जी के साथ में इस रास्ते से होते हुए सीधे ये आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यहां पर इतने पोर्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हाई स्पीड से निकलते हैं, क्योंकि पहले तो इसने निकलने नहीं दिया, इसने निकलने नहीं दिया, और जब निकला तो बड़ी हाई स्पीड से निकला, और हाई स्पीड से निकलने के बाद कहाँ, यहां पर निकला। ये भी निकल का टारगेट होता है, निकल का टारगेट होता है, यहां पर क्या कहता है, सीधे वो टकराता है जाकर के, और यहां से टकराता है तो क्या होगा, वो स्कैटर होता है, इधर उधर डायरेक्शन में स्कैटर होता है। और इसको हम लोग, ये जो आपका एक डिटेक्टर लगा होता है, ये डिटेक्टर है आपका, ये उसको डिटेक्ट करता है। इतना ये एक्सपेरिमेंट रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो सीधे सीधे छोटे छोटे, अगर छोटे वर्ड में समझूं तो यहां पर ये जो एफ था, इसको मैं हटा दे रहा हूं, जो लिखा था मैंने। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो एफ है, ये चीज फिलामेंट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो है सिलिंड्रिकल नुमा, ये निगेटिव पोटेंशियल पे है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं देगा। अब ये क्या करेगा, इसी बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन मंडराते रहेंगे। अब जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। जो आपस में टकराएंगे तो उनके पास सिर्फ यही रास्ता है आगे जाने के लिए, हाई स्पीड से। तो यहां से जब निकलते, गोली की स्पीड से निकलते, इसलिए देखो इसको नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन गन नाम दे दिया गया। और ये निकल करके सीधे निकल के क्रिस्टल पड़ते हैं, और फिर ये डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है कि किस डायरेक्शन में स्कैटर हुए हैं। क्लियर? अब थोड़ा देखो यहां पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो देखो यहां पर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 44 से 68 बोल्ट के बीच में परफॉर्म किया जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 44 से 68 बोल्ट के बीच में परफॉर्म किया गया। पर्टिकुलर एक बोल्ट पे, 54 बोल्ट पे देखा गया, इससे एक्सपेरिमेंट किया गया, 54 पे इसको एक्सप्लेन किया गया, 54 बोल्ट पे। तो एक मैं ग्राफ बना रहा हूं यहां पर, ये आपका आई और ये आपका फाई, फाई मतलब स्कैटरिंग, ये जो थीटा दे रखा है वही फाई है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। ठीक है, 54 वोल्ट की बात बता रहा हूं। तो ये यहां पर मैक्सिमम जो है एक पॉइंट, यहां पे स्कैटरिंग एंगल देखा गया वो होता है 50 डिग्री। तो देखा गया पर्टिकुलर 54 वोल्ट पे कि जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर में बढ़ा लूं, ठीक है, जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, अब देखिए करंट जो है पहले बढ़ रही है, पहले ये बढ़ रही है, मैक्सिमम पहुंचने के बाद क्या हो रही, फिर घट रही है। मैक्सिमम कितने पर पहुंची, 50 डिग्री पे पहुंची, यानी कि इंटेंसिटी जो है आपकी वो मैक्सिमम है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है यहां पर, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में ही मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है। देखो जरा यहां पर जो क्रिस्टल था, इसमें डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट लेयर्स हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन गन से इस पर टकराते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ जिनके पास हाई एनर्जी होती है उसको पेनिट्रेट कर जाते हैं और अंदर से रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ज्यादा ओवर होते हैं यहां से, अंदर से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इन तीनों के बीच में देखिए भैया पाथ डिफरेंस है, इन तीनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। तो यहां पर इंटरफेरेंस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, इंटरफेरेंस कंडीशन डेवलप हो जाती है, और इंटरफेरेंस यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो यहां पे कैसा होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि यहां पर ब्राइट इंटरफेरेंस मिल रहा है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और आपको पता होगा भैया कि इंटरफेरेंस जो होता है वो कौन से नेचर को एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। इंटरफेरेंस किसको एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर का एक्सप्लेन करता है।
यानी कि यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को जब पार्टिकल मान रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन किस बेस पे दे रहे हैं, वेव बेस, वेव नेचर पे दे रहे हैं। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग पार्टिकल को एज अ वेव एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हमने कंसीडर किया वो एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर देखिए एक्सपेरिमेंट आपको मैंने फिगर में दिखा दिया, ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इतनी रेंज में परफॉर्म किया गया, 44 से 68 पे, सिर्फ उसके आगे थोड़ा ऊपर आगे इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ 54 वोल्ट पर एक्सप्लेन किया गया। कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये वाला, ये आपका 54 वोल्ट पे बना हुआ है, आई और फाई के बीच जो ग्राफ है, इसमें देखा गया कि 50 डिग्री पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। और मैक्सिमम मिलती कैसे है, मैंने ये आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप के लेयर्स के बीच में जा करके पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही इंटरफेरेंस यहाँ पे डेवलप होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना और इंटरफेरेंस भी वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। हम लेके चले थे पार्टिकल और उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वेव बेस, वेव नेचर के बेसिस। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी इसको लिखने के लिए आता है तो सिर्फ इसके जो रिजल्ट हैं, मेन मेन पॉइंट लिखने के आते हैं, ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आप आज मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ को एक्सप्लेन किया, उसको अच्छे से पढ़िएगा, और इसी साथ ही ये जो आपका ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर था ये फिनिश हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एटम पढ़ेंगे, जैसे हम लोग हर चैप्टर को बड़ा ही कहानी टाइप में पढ़ते हैं, वैसे ही एटम भी मैं आपको कहानी के नुमा पढ़ाऊंगा। अब देखिएगा पूरा पूरा यहीं पे आपको याद हो जाएगा, लेकिन क्या है, आपको फुल कंसंट्रेशन आपको देना है। गारंटी मैं लेता हूँ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, लेकिन क्या है, आपको जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको पूरे देखने हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे चैप्टर इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जहाँ पर भी डाउट हो उसको पूछते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।